हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिंस क्या होती है, होम्योपैथिक मेडिसिंस किसे नहीं लेनी चाहिए, होम्योपैथिक मेडिसिंस से किसे लाभ होता है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होम्योपैथिक इज अ मेडिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द बिलीव दैट द बॉडी कैन क्योर इट्सेल्फ। होम्योपैथिक एक मेडिकल सिस्टम है, पे आधारित है, ऑन द बिलीव, जिससे हम विश्वास करते हैं कि दैट द बॉडी कैन क्योर इट्सेल्फ, हमारे जो शरीर है यह स्वयं अपने आप ठीक हो जाती है। दोज हु प्रैक्टिस इट यूज टीनी अमाउंट ऑफ नेचुरल सब्सटेंस, वह जो प्रैक्टिस करते हैं यानी कि डॉक्टर, इट यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ नेचुरल सब्सटेंस, जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं उनको, उनके जरिए या उनके हेल्प से जो डॉक्टर होते हैं वह बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक प्लांट एंड मिनरल्स, जैसे कि मिनरल्स और प्लांट। दे बिलीव दिस स्टिमुलेट द हीलिंग प्रोसेस, वो विश्वास करते हैं कि यह क्या करती है, स्टिमुलेट करती है वह हीलिंग प्रोसेस को, यानी कि जख्म भरने या बीमारी को ठीक करने की प्रोसेस को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। इट वॉज डेवलप्ड इन द लेट 1700 एस इन जर्मनी, इसका आविष्कार लेट 1700 एस इन जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथिक का उपयोग किसे नहीं करना चाहिए, अस्थमा, कैंसर और हृदय रोग जैसी जानलेवा बीमारियां, आपात स्थिति में होम्योपैथिक दवा का उपयोग न करें। आपको टीके के स्थान पर इसका उपयोग करने से भी बचना चाहिए। होम्योपैथिक से किसे लाभ होता है, यदि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है तो होम्योपैथिक दवाओं आपके लिए आदर्श उपचार हो सकती है। यह अभ्यास आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है ताकि यह दोबारा वापस न आए। इसके अलावा यह बाहरी संक्रमणों जैसे वायरल या बैक्टीरियल हमलों के खिलाफ प्रतिरोध का निर्माण करके आपकी प्रतिरक्षा को भी मजबूत करती है। होम्योपैथिक मेडिसिंस के साइड इफेक्ट्स, सबसे पहले तो साइड इफेक्ट्स होने की संभावना न के बराबर होती है, अगर होती भी है तो स्किन एलर्जी नॉर्मल या हल्की फुल्की हो सकती है, किसी न किसी पेशेंट को देखने को मिलती है।